साहिवाल के बाद खबर शामिल करते चले सरगोधा से, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तारीख तो दे दी गई, लेकिन अवाम का इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है, इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ की नुमाइंदा नरगिस सफदर की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट नरगिस सफदर इस वक्त सरगोधा मेन बाजार में मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि आवाम का इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है, इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। चलते हैं आवाम से पूछते हैं। देखें जी, इलेक्शन तो लाजमी होने चाहिए। जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है ना, मतलब कोई भी इन्वेस्टर बाहर से नहीं आ रहा, यहाँ के इन्वेस्टर नहीं अपनी मर्जी से नहीं इन्वेस्टमेंट कर पा रहा, बिजनेस है कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं, महंगाई डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही, तो इससे आम आदमी का या मिडिल क्लास या वाइट कॉलर पर्सन का गुजारा मुश्किल हो गया। इसका बेहतरीन हल है इलेक्शन करवा दें। नून लीग जो इतनी कॉन्फिडेंस में है कि जी इलेक्शन हो जाए, हम करवाते हैं, इससे प्रीवियस टाइम में ये कहते रहे हैं जी ये पंजाब गवर्नमेंट भी तोड़ दें, ये के पी के गवर्नमेंट भी तोड़ दें, हम इलेक्शन करवाते हैं। अब अपनी बात से भाग गए हैं। और सेकंड, इलेक्शन लाजमी ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और अवाम के लिए भी ज़रूरी है। इलेक्शन के बगैर कुछ भी नहीं मुमकिन ही कुछ नहीं है। इलेक्शन के बगैर कॉन्फिडेंस ही नहीं किसी चीज़ का, ना बिजनेस का कॉन्फिडेंस है ना अवाम का कॉन्फिडेंस। अच्छा भैया, आपकी राय के मुताबिक किस हुकूमत को इतदार में आना चाहिए? देखें जी, बात ये है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान बेस्ट ऑप्शन है इस कौम के लिए, क्योंकि वो खाली वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लीडर है। आवाम तो कहती है वो चोर भी है। देखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, चोर होता तो भाग जाता, कभी सऊदीया जाता, कभी लंदन चले जाता, कभी प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाती, कभी दवाई नहीं मिल रही उसे, कभी उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा, कभी सर्जरीज नहीं हो रही। आपके लिए, मेरे लिए सिविल हॉस्पिटल है, इनके लिए एक इंग्लैंड में इलाज करवाएंगे, ये लोग इंग्लैंड में इलाज करवाएंगे। ये लीडर है। छोटी सी सर्जरी यहाँ से नहीं होगी, इसकी छोटी सी सर्जरी यूके से ही होगी। पहले ये कहते रहिए मैडम ये मरियम के जी मुझे प्लेट में आप रख के दे दें पासपोर्ट, मैं फिर भी नहीं जाऊँगी, फिर सर्जरी याद आ गई। अब पता क्या है, अब लोगों को ना शौर आ गया है। पहले PTV देखते थे, गवर्नमेंट दिखाती थी, अब YouTube है, Facebook है, वायरल हो जाती है। अब वो चीज़ नहीं है कि प्रेशर से जो मर्जी न्यूज़ आप ऑन एयर करवा दें, ऊपर से प्रेशर, अब नहीं होता। इमरान खान लीडर है, मेरी बहन इमरान खान लीडर। एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछती हैं कि इनका इलेक्शन के बारे में क्या कहना है। इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होने चाहिए, क्योंकि अब पहले इलेक्शन हो जाए ना तो फिर मुल्क का बड़ा नुकसान है। दोनों इकट्ठे होने चाहिए, इतने हमारे पास वसाइल ही नहीं है जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ठीक है ना। और हम वोट देंगे नून लीग को देंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह देखो। ज़रूर होने चाहिए जी इलेक्शन, क्यों नहीं होने चाहिए, हमारा हक है। और इंशाल्लाह ताला हम PTI के साथ हैं और इमरान खान के साथ हम अक्सरियत से आएंगे इंशाल्लाह। दुकान में मौजूद हैं और दुकानदार से पूछते हैं कि इनका क्या कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो किस पार्टी को इत्तेदार में आना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तो ये कहूँगा कि इलेक्शन कल नहीं बल्कि अभी और इसी टाइम ही होने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, गरीब बंदा तो वैसे मर गया, तो सियासी पार्टी हर बंदा अपनी दौड़ भाग में लगा हुआ है, तो इसमें गरीब पीस रहा है, सफ़ेद पोश भी पीस गया है, तो इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब को इख्तदार में आना चाहिए। होने चाहिए इलेक्शन, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर पार्टी हो अल्लाह पाक उस पार्टी को आगे लेके आए। जो बेहतर हो पाकिस्तान के हक में अल्लाह पाक उस पार्टी को बेहतर लेके आए। जी अबू बकर, जैसा कि आपने आवाम से सुना, आवाम का कहना है कि इलेक्शन होना चाहिए और टाइम पे होने चाहिए और उस पार्टी को इख्तदार में आना चाहिए जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। नरगिस सफदर, बिग न्यूज़, सरगोधा।